हेलो स्टूडेंट्स, मैं कंचन कुमारी महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का यह वीडियो क्लास वन विषय हिंदी व्याकरण चैप्टर 5 संज्ञा पे है। तो आइए आज हम लोग संज्ञा जानेंगे। दोस्तों के साथ खेलते रहते हैं तो आपकी माँ अगर बुलाएगी तो कैसे बुलाएगी? वो आपका नाम लेकर बुलाएगी। तो जैसे आपका नाम है वैसे ही आपके दोस्तों का भी नाम है, पशु का नाम है, पक्षी का नाम है, स्थान का नाम, सबका अपना अपना नाम होता है। नाम ही सबका अपना पहचान होता है। तो बच्चों इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा में हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों सभी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो वस्तु के नाम, वस्तु आप घर में तो बहुत सारा होगा, जैसे कि किचन में ही जाइए, किचन में क्या है? गैस है, वो भी एक वस्तु है। गैस, थाली, बाटी, कटोरा आदि। आप जिस बेड पे सोते हैं, बेड उसका भी तो वो नाम ही है ना। तो बेड हो गया, जाजिम, किताब, कॉपी आदि, ये सब क्या हो गया? वस्तु हो गया। तो उसका सबका अपना नाम है, उसके नाम से हम जानते हैं। तो ये नाम क्या हो गया? संज्ञा। वैसे ही यहाँ कुछ नाम दिया गया है, आइए ये नाम हम लोग देखते हैं। फलों के नाम, केला, सेब, आम, अंगूर। सब्जियों के नाम, आलू, गोभी, मटर, टमाटर। वाहनों के नाम, कार, बस, हवाई जहाज, रेलगाड़ी। पक्षियों के नाम, कोयल, तोता, चिड़िया, मोर। तो बच्चों इसी तरह लोगों, फूलों, वस्तुओं, शहरों, देशों, पहनने के कपड़ों, बर्तनों, पढ़ने लिखने की वस्तुओं, कमरे के सामान और कक्षा में रखे गए आदि के भी नाम होते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर से हम लोग क्या सीखे? जो दुनिया में जितने वस्तुएं हैं सबका अपना अपना नाम होता है, उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो बच्चों किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर से क्या सीखे? हम लोग इस चैप्टर से सीखे जो हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है, नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।